नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है और मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो है वो म्यूज़िक थियोरी को लेके है। और आज इस वीडियो में मैं जो कवर अप करने जा रहा हूँ वो नोट वैल्यू और नोट सिंबल को लेके है। तो चलते हैं वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले मैं नोट सिंबल ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेमी ब्रेव ड्रॉ किया, इसको हम सेमी ब्रेव बोलते हैं। SEMIBREVE, सेमी ब्रेव। और इसे हम होल नोट भी कहते हैं, HWHOLE, होल नोट। ठीक है। दूसरा जो सिंबल है वो ऐसा दिखता है, उसे हम मिनिम भी बोलते हैं। मिनिम और उसे हम हाफ नोट भी बोलते हैं, हाफ नोट। ओके। अगला जो सिंबल है वो है क्रॉचेट। ठीक है। क्रॉचेट, CROTCHET, क्रॉचेट। ओके। उसे हम क्वार्टर नोट भी बोलते हैं। अगला जो है वो है क्वावर। QUAVER, उसे हम एट्थ नोट भी बोलते हैं। अगला जो है वो है सेमी क्वावर। उसे हम 16th नोट भी कहते हैं। ओके। अब ये जो नाम है, इसमें से जो ये साइड में जो है उसे हम एक्चुअली वो अमेरिकन नेम है, और ये जो साइड में है वो ब्रिटिश नेम है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ये सिंबल एक जैसे, एक ही सिंबल को दो नाम से अगर पुकारा जाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, वो एक ही है। सेमी ब्रेव, होल नोट, यानी वो एक ही नोट है। हाफ नोट या मिनिम बोलो, वो एक ही चीज़ है। तो उसी तरीके से इस नोट को दो नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये रही नोट सिंबल किस तरीके से दिखता है और उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो उसका नोट वैल्यू। तो जो पहला जो नोट है, जो सेमी ब्रेव है, उसकी जो नोट वैल्यू है वो है 4। दूसरा, इसका जो नोट वैल्यू है वो है 2। इसका जो नोट वैल्यू है वो है 1। ये जो नोट है क्वावर, उसका जो वैल्यू है हाफ है, आधा। 16th नोट, जिसको हम सेमी क्वावर भी बोलते हैं, उसका जो नोट वैल्यू है वो है क्वार्टर, यानी इसका भी आधा, यानी क्वावर का आधा। ठीक है। 1/4, और क्वावर का है वो 1/2, उसका मतलब आधा। ठीक है। तो ये है नोट वैल्यू। तो चलिए थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं। पहले मैं ये सेमी ब्रेव को एक्सप्लेन करता हूँ कि 4 बीट है। ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो है 4। इसका मतलब अगर आपके पास 4 बीट है, लाइक 1, 2, 3, 4, तो आप 1 पे प्ले करेंगे और वो जो आवाज़ है वो 4 बीट तक सस्टेन रहेगा। जैसे कि अगर आप काउंट कर रहे हो 1, 2, 3, 4, तो पहले में आपको बजाना है और उसकी आवाज़ है वो 4 बीट तक सस्टेन रहेगी। जैसे कि ला। ओके। अगर आप मिनिम है, यानी हाफ नोट है, उसका जो बीट है वो 2 है, यानी वो 2 बीट तक सस्टेन रहेगा। अगर आपके पास 1, 2, ठीक है, और आप 1 पे प्ले कर रहे हैं और वो चीज़, वो साउंड दूसरे बीट तक सस्टेन करेगा।
सपोज़ अगर आपके पास चार बीट हैं, 1 2 3 4, तो आप 1 पे प्ले करेंगे और 3 पे प्ले करेंगे, यानी 2 और 4 पे उसकी आवाज़ सस्टेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्रॉचेट या क्वार्टर नोट बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू है 1, यानी इसका मतलब ये है कि आपको एक बीट पे एक ही नोट मिलेगा इसमें, ठीक है। इसकी जो आवाज़ है वो एक ही बीट तक सीमित रहेगी। अगर आपके पास दो बीट हैं तो इसका मतलब आपको दो बार प्ले करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे चार बीट रख देता हूँ, 1 2 3 4, तो मैं हर एक बीट पे उस नोट को बजाऊँगा अगर ये है तो, ठीक है। पी का मतलब मैं प्ले का वो एक कंसिडर करके मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि पी क्या है, पी जस्ट मैंने ऐसे ही सिखाने के लिए, मैंने समझाने के लिए पी लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो नोट है वो है क्वावा, उसकी जो वैल्यू है वो है हाफ, आधी, ठीक है। तो अगर आपको 1 बीट है आपके पास, तो आप 2 क्वावर नोट को बजा सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो क्योंकि ये आधा है, सो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आधा और आधा मिला के हमारा एक बीट बनता है, जो हम क्रॉचेट को भी बोलते हैं कि क्रॉचेट की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। ये सिंगल नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ग्रुप नोट ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये 8 नोट है, जो ऊपर की लाइन है वो कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। और अगर आप सपोज़ मेरे पास 4 नोट है, तो वो ऐसे कनेक्टेड होके जाएगा। और इसे हम काउंट कैसे करेंगे, लाइक 1 and 2, एंड अगर मेरे पास 3 बीट है तो 3 and 4, एंड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आप कैसे समझ पाओगे कि ये 8th नोट है, आप ऊपर की लाइन देख सकते हो कि वो सिंगल है कि नहीं, या ऐसे फ्लैग है कि नहीं। क्वावर में हमेशा एक फ्लैग रहता है, ठीक है, अगर वो सिंगल है तो। अगर जुड़ा हुआ है, ग्रुप में है, तो ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये रही उसकी वैल्यू, ठीक है। ये क्वावर और सेमी क्वावर थोड़ा और डिटेलिंग में समझने वाली बात है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले आप बेसिक चीज़ें समझ लो कि इसका वैल्यू कितना है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्लेइंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे सेमी क्वावर को लेता हूँ, ठीक है। सेमी क्वावर में 2 फ्लैग रहते हैं, ठीक है। अब ये है, इसका जो वैल्यू है वो क्वार्टर है, यानी हाफ का भी आधा, ठीक है। अगर आपको आधा नोट चाहिए, तो आपको 2 सेमी क्वावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ही वो क्वावर के वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। 2 सेमी क्वावर होगी तो ही वो आधा होगा। तो आपको अगर कंप्लीट करना होगा 1 बीट पे, तो इसका मतलब है कि आपको 4 नोट मिलेगा। मैं यहाँ पे 4 नोट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको डबल लाइन से ज्वाइन करूँगा। जब मैं ये डबल लाइन से ज्वाइन करूँगा, तो ये 16th नोट यानी सेमी क्वावर बन जाता है। और इसका जो काउंटिंग रहता है वो है 1 E and A, इसका मतलब आपको एक बीट में 4 नोट मिलते हैं, ठीक है। और क्वावर में जो है वो एक बीट पे आपको 2 नोट मिलते हैं, और यहाँ पे क्रॉचेट पे आपको एक बीट मिलता है, एक नोट मिलता है। और यहाँ पे सेमी क्वावर में आपको 2 बीट कवर अप करने को मिलता है, उसकी आवाज़ 2 बीट तक चलती है, और सेमी क्वावर में 4 बीट तक चलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।